ये तो घोर अनर्थ हो गया, रुद्राक्ष चोरी हो गया। अरे कोई वो दो पंडितों को ढूंढो। हे प्रभु, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया प्रभु। अरे लाखा बेटा, एक ना कोमल बिटिया को फोन लगा। बाबूजी कोई काम था? नहीं, ऐसे ही जानना चाहता था उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, कोई उसे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? जी बाबू। बढ़िया, लड़की जी तू ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इसे फोन कर दिया तो बस मैंने बहुत अच्छा लगा लड़की जी। अरे बावली, मारा मतलब है कि तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो इभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही सू और मेरा सर घूम रहा सर। लक्की जी मैंने शिव जी के दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा सर। वैसे कोई चिंता की बात ना सर, आप ठीक हो ना? हेलो हेलो लक्की जी, मेरी छोरी तो ना कहीं चोट तो ना लगी? लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को
अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।